नमस्कार। लोग आपसे आपके विचारों से कितना जुड़ पाते हैं ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी भाषा कैसी है। खराब उच्चारण वर्तनी वाली भाषा से अक्सर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो आपके विचारों को पनपने का मौका कैसे मिलेगा। भाषा का प्रश्न अक्सर लेखकों और वक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी में सुधार लाना हो तो क्या किया जाए। विचारक लेखक और वक्ता सभी को पढ़ने का अभ्यास होता है और उन्हें पता होता है कि भाषा पुस्तकों से सीखी और उत्कृष्ट की जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि कौन सी पुस्तकों से अपनी हिंदी को और भी अच्छा किया जा सकता है। इनमें से सबसे पहली पुस्तक होगी आचार्य विद्यानिवास मिश्र की हिंदी की शब्द संपदा। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जितने अधिक शब्द आपको पता होंगे आप उतने ही ठीक तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रख सकेंगे। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने इस पुस्तक में कृषि से लेकर गहने जेवरों तक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रयोग के जरिए बताया और समझाया है। शब्दों के बाद बारी आती है शैली की और वहाँ आचार्य रामचंद्र वर्मा की अच्छी हिंदी काम आती है। कब आपकी शैली हिंदी की है, कब वो अंग्रेजी से अनुवाद जैसी हो गई, कहाँ उर्दू का पुट आ रहा है, ये बातें आप अच्छी हिंदी पढ़कर सीख सकते हैं। अब बारी आती है वर्तनी की, जो लिखित हिंदी में महत्वपूर्ण है। इस पर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण नाम से पतली सी किताब लिख रखी है। शब्दों की वर्तनी समय के साथ कैसे बदली, व्याकरण का भाषा पर कैसा प्रभाव होता है, ये बातें भी आप इस किताब से और कुछ हद तक अच्छी हिंदी से सीख सकते हैं। हिंदी भाषा पिछले 100-200 वर्षों में कैसे बदली, आज की हिंदी का स्वरूप कैसा है, इसे समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। इससे आपको हिंदी के साहित्यकारों का पता चलता है, शैली और लिखने के विषय कैसे बदलते रहे ये अनुमान होता है और अंततः ये भ्रांति दूर होती है कि कोई नई वाली हिंदी भी होती है। बाकी भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी बिल्कुल नई है, इसलिए हर पीढ़ी की हिंदी नई वाली हिंदी ही थी, ये समझना ज्ञान के अहंकार को भी मिटा देता है। हिंदी की और भी पुस्तकों पर चर्चा जारी रहेगी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।